आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गांवों में आदिवासी समाज द्वारा आज भी वर्षों से चली आ रही परंपराओं को मानते हुए तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं परंपराओं में एक द्वितीया उज्जवन भी है, जिसको खरीफ की फसल बुवाई के 8 दिन बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है और कहा यहाँ त्यौहारों की परंपरा शुरू हो जाती है जो होली के त्यौहार तक चलती रहती है। मान्यता है कि द्वितीया रविवार को ही मनाए जाने की परंपरा है। मान्यता अनुसार आदिवासी समाज में माने जाने वाली कंसरी माता को राजा पांटा कांडा ठाकुर भिलट देव इसी दिन मनाकर लाए थे। इस दिन सभी घरों में खाना बाहर पकाया जाता है और घर के दरवाजों पर तोरण बांधा जाने की व खेत में बेल के सींग हड्डी व मटका टांगने की परंपराएं भी हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति व धन धान की बरकत होती है। हाँ, आदिवासी समाज में ये द्वितीया जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, बताइए जरा। इसलिए हम ये हमारे कंसी माँ धरती में उतर गई थी, उसको लेने के लिए हमारा पुजारी गया था, राजा पांटा भिलट देव और विलन देव, ये हमारा माँ पुजारी है, वो उनसे कंसी माँ को धरती में से लाए, फिर उनके घरवाले ने कुछ कुछ बोल दिया, इसलिए हमारा यहाँ से चल वापस चली गई। हमारा राजा पांटा का बेल मर गया था, उसके माथे में जाके घुस गए, इसलिए हम वो लाके उसका माथा लाके ने ये द्वितीया बना के हमारा पहला त्यौहार मनाया इसको। ये घर के दरवाजों पे तोरण बांधा जाता है, जिसको तोरण बोलते हैं, ये क्यों बांधा जाता है? ये ऐसा बांधा जाता है कि हमारी पहली फसल आई है, इसलिए हमारे नई फसल की उज्जवनी करी, इसलिए हम हमारे घर में तोरण बांधते हैं, कोई लोग गांव में भी बांधते हैं, गांव के देव में भी बांधते हैं, इसलिए हम उज्जवनी के लिए बांधते हैं।